18 देखिए क्या कह रहा है कि इफ सॉरी 10 नंबर दिया है कि n प्लस 2c8 रेशियो n माइनस 2p4 दिया है 57:16। फाइंड द वैल्यू ऑफ n करते हैं, यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल बाई में आपका 8 का फैक्टोरियल और इंटू n प्लस 2 माइनस 8 का फैक्टोरियल। अब यहाँ रेशियो, फिर यहाँ पे देखिए परमुटेशन दे रखा है, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल और बाई में हो जाएगा n माइनस 2 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू में 57:16। चलिए अब इसके बाद देखते हैं n प्लस 2 का फैक्टोरियल, बाई में है आपका 8 का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। रेशियो है तो यहाँ इंटू देते और ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा n माइनस 6 का फैक्टोरियल, बाई में आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू में हो जाएगा 57:16। अब देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर n माइनस 6 के फैक्टोरियल से n माइनस 6 का फैक्टोरियल हटा देते हैं, इसको चेंज करते हैं n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 इंटू में n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल और बाई में आपका 8 का फैक्टोरियल है और इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू में है 57:16। देखिए इससे हम लोग ये काट देंगे, 8 डिवाइड 8 का फैक्टोरियल उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू में n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 57:16 और इंटू में 8 का फैक्टोरियल है तो इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेते हैं। देखिए 16 है तो 8 टू जा 16 और इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू में n इंटू n माइनस 1 है, तो ये जो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है आपके नेचुरल नंबर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को भी हमको अरेंज करना होगा। 4 कंसेक्यूटिव हमें नेचुरल नंबर लेने होंगे तो 57 को आप 19 इंटू 3 कर सकते हैं, है ना जी। तो एक काम करते हैं, अब इसमें से देखिए उसी हिसाब से अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना जी, और इसमें से 21 हो जाएगा। फिर अब देखिए ये 7 और 3 का काम हो गया, अब देखिए 5 और 4 ले लेते हैं 20 हो जाएगा, है ना। फिर आपका ये इसमें से 19 है तो इसको 19 ले लेते हैं और इसमें का 3 बच गया और यहाँ पर आपका इसमें 6 बच गया तो ये 18 हो जाएगा। तो अब एक एक करके सबको अलग अलग करेंगे तो देखो n प्लस 2 इक्वल टू में 21, n प्लस 1 इक्वल टू में 20, फिर आपका n इक्वल टू में 19 और n माइनस 1 इक्वल टू में 18। तो हर एक केस में आपको क्या मिलेगा, n का वैल्यू 19 ही मिलेगा, आप निकाल सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट।